कि देश में तीन ही आदमी है, एक वो पीएम मोदी है, एक योगी है, तीसरा ये साला मोची है। खाली बोल देने से गरीबी दूर नहीं होती भैया। ऐसा लोग कहते हैं कि हम लोगों ने मोदी जैसा एक शेर पाला है, तो शेर थोड़ा महंगा भी है। अब भैया अब उसकी जो है डिमांड बढ़ गई है शेर, अब रोज चिकन खा रहा है, तो हम लोगों को तो चिकन बंद कर दिया, हम लोगों को आटा तक नहीं मिल रहा है इस समय तो। ये आने वाले 2022 में इलेक्शन ही है, तो उस हिसाब से तो हर पार्टी लॉलीपॉप ही दे रही है। कहाँ के रहने वाले हैं? चित्रकूट। आप बताइए, अभी योगी जी ने ऐलान किया है कि बच्चों को लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, 3000 करोड़ का फंड भी रिलीज कर दिया है। देखिए, बोलने को इससे पहले मोदी जी भी बोले थे हर खोखा पटरी वाले को 10,000 रुपये मिलेगा, तो हमें न 10,000 रुपये मिला, वो खाली एक टेबलेट मिला है, या मरने वाला है या खाने वाला जैसा भी है। अच्छा। बाकी मिला कुछ नहीं है। अब ये टेबलेट जहर वाला देंगे, कोरोना वाला, इसका तो फैसला आने वाला, टेबलेट चलाने वाला है बच्चों को डिजिटल इंडिया में प्रवेश कराना। ये टेबलेट वो दे रहे हैं या मरने वाला टेबलेट दे रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड है। अच्छा। खाली बोल देने से गरीबी दूर नहीं होती भैया। क्या लगता है, चुनाव को देखते हुए लॉलीपॉप दे रहे हैं या सही में बाधा कर रहे हैं? देखिए, आने वाले 2022 में इलेक्शन ही है, तो उस हिसाब से तो हर पार्टी लॉलीपॉप ही दे रही है। अखिलेश यादव ने भी कहा है 300 यूनिट बिजली फ्री। चलो उन्होंने जो बोला था, फिर भी उन्होंने कुछ किया है, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि इतने साल में योगी जी ने हमारे देश के लिए कुछ किया है। योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया है? हमें ना भाई कुछ नहीं लग रहा। मोदी जी को लेकर क्या कहना है आप? मोदी जी तो शुरू से चाय बेचते थे, उनको चाय बेचने दो, अब तो प्रधानमंत्री बन गए वो। प्रधानमंत्री बन गए हैं तो वो प्रधानमंत्री हमारे लिए नहीं है भैया। तो वो तो कहते हैं हम गरीब का बेटा है, गरीबों के लिए। अफगानिस्तान में इतने पैसे फंसा दिए और सिलेंडर बढ़ा दिए हैं, 880 रुपए का कर दिए, तो हमारे लिए काहे के लिए मोदी जी हैं? अभी तो वो कहें कि 25 रुपए ही बढ़ा है, 25 रुपए कौन सा बढ़ा? 25 रुपए अभी बढ़ा है, हर महीने 25-25 बढ़ा के तो 900 कर दिए। अच्छा। और अगले महीने 25 बढ़ा देंगे, 25 दूध बढ़ा दिए, सिलेंडर बढ़ा दिए, आटा बढ़ा। अरे हम लोगों की मजदूरी क्या बढ़ाई उन्होंने? ऐसा लोग कहते हैं कि हम लोगों ने मोदी जैसा एक शेर पाला है, तो शेर थोड़ा महंगा भी है। अब भैया अब उसकी जो है डिमांड बढ़ गई है शेर, अब रोज चिकन खा रहा है, तो हम लोगों को तो चिकन बंद कर दिया, हम लोगों को आटा तक नहीं मिल रहा है इस समय तो। 80 करोड़ लोगों को आटा दे रहे हैं, वो गन्ना दे रहे हैं, 80 नहीं मिला। 80 करोड़ लोगों को आटा दे रहे हैं, सिर्फ 500 रुपए मिले 1.5 साल के अंदर, वही लॉकडाउन में, इसके बाद कुछ नहीं मिला है। मतलब सिर्फ चिकन ज्यादा खाए। उसके बावजूद 500 रुपए उन्होंने हमें को दिया है, उसके बावजूद 1.5 साल में पूरी सब्सिडी खा गए। हमारे देश के पीएम प्रधानमंत्री जी, जितना उन्होंने 500 रुपए नहीं दिया, उससे ज़्यादा 1.5 साल में हम लोगों की सब्सिडी खा गए। ये है हमारे देश के पे। हमारे लिए तो कांग्रेस ही ठीक थी, जीती थी ना मरती थी, जिंदा तो रहने देती थी। लेकिन ये लोग कहते हैं कांग्रेस 70 साल में देश को बेच दी। उसने तो 70 साल समय लगाया बेचने में, इसने तो 7 सालों में ही पूरा बेच दिया। अच्छा। उसने तो 70 साल लगाया, समय लगा के सबको खिलाती रही, पालती पोसती रही, और इन्होंने तो 7 साल में ही पूरे। अब बताइए किस, हर मोदी, हर एक गरीब आदमी के पास जो भी 10 रुपए अकाउंट है ना, उसका भी जो है पीएम मोदी के पास है कि ये भी निकाल लो। अच्छा। गरीब के अकाउंट से पैसे निकाल, हर एक गरीब आदमी के अकाउंट से पैसा निकाल लो, ये पीएम मोदी जी की हमारी देन है। कांग्रेस तो भूल जाती, चलो पढ़ा पढ़ा रहने दो। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हमारे हम आए हैं तो हमारे और कोई आक्रमण नहीं करता, हम घर में घुस के मारते हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अरे भैया, हमारे देश के आदमी जो है बिना वैक्सीन के मर रहे हैं, तुम रूस में फ्रांस में भेज रहे हो, अब पाकिस्तान को मुंह त्यौहार दे, यहाँ तो भूखे मर रहे हैं, तुम पाकिस्तान से हमें क्या मतलब है? अपने देश के नागरिकों को तो कोई समझौता नहीं कर रहे हो, पाकिस्तान में जाकर के आक्रमण करके अपने नागरिकों को भूखा मार रहे हो। 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वो आप किन मुद्दों पे देखते हैं, जैसे रोजगार को, शिक्षा को लेकर? देखिए, रोजगार शिक्षा तो योगी जी वैसे बोलते हैं, शिक्षा भी है, अभी 25 लाख कुछ नौकरियाँ भी इन्होंने निकाली है। अब भाई साहब देखो, मिल जाए
तब हम कहेंगे अब भाषण तो खैर पेपर में, आप मीडिया वाले हो, आप रोज छापोगे, रोज पेपर में आएगा क्या से क्या, बाकी जो मिले जांच पड़ताल करने भी तो जमीन पे आएंगे आप लोगों से पूछने कितना मिला नहीं मिला। बिल्कुल आएंगे, हमारे पास तो जरूर आएंगे वो, और किसी के पास आए ना आए पर मेरे पास जरूर आएंगे वो, क्योंकि देश में तीन ही आदमी है, एक वो पीएम मोदी है, एक योगी है, तीसरा ये साला मोची है। अच्छा, चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा बोला आपने।